पिछले कुछ दिनों से एबीपी न्यूज चैनल में भारी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। चैनल के संपादक मिलिंद खांडेकर और पुण्य प्रसून वाजपेयी के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया में खूब सवाल उठ रहे हैं। जानकारी मिली है कि तेज तरार एंकर अभिसार शर्मा को भी जबरदस्ती 15 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया गया है। सोशल मीडिया में जाने माने पत्रकार अपनी अपनी सूझबूझ से एबीपी न्यूज के घटनाक्रम पर लिख रहे हैं, लेकिन हर कोई इस बात को लेकर हैरानी जता रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार को किस बात का डर सताने लगा है। मोदी सरकार की नीतियों पर करारा चोट मारने की वजह से पिछले कुछ समय में एबीपी न्यूज चैनल सरकार के निशाने पर आ चुका था। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने सनसनीखेज दावा कर सबको चौंका दिया है। स्वाति चतुर्वेदी का दावा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों संसद में कथित तौर पर पत्रकारों से कहा था कि वह एबीपी न्यूज को सबक सिखाएंगे। पत्रकार के मुताबिक अमित शाह ने कहा था कि बहुमत हमारी है, तो क्या मोदी सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? पिछले दिनों एबीपी न्यूज चैनल ने मोदी के उस दावे की पोल खोली थी जिसमें छत्तीसगढ़ की महिला ने अपनी आमदनी दोगुनी होने का दावा किया था, जिसके बाद ही एबीपी न्यूज चैनल का सबसे चर्चित शो मास्टर स्ट्रोक का सिग्नल डाउन होने लगा था। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ पत्रकारों में जबरदस्त नाराजगी है। कुछ लोग मोदी राज में अघोषित इमरजेंसी तक करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज लाइव।